अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत रसूलपुरा गांव में रविवार देर रात शादी समारोह में चोरी की घटना के दौरान दीपक खटाना नामक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर हवाई फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में रामराज ने दीपक खटाना और उसके चार साथियों के खिलाफ अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मौके से कारतूस के दो खाली खोल और i20 कार भी बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार रात को रसूलपुरा गांव में शादी समारोह के दौरान मांगीलाल गुजर के घर पर कुछ अज्ञात चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुस गए थे। इसी दौरान मांगीलाल गुजर ने अपने दामाद दीपक खटाना और उसके चार साथियों को घर में चोर होने की सूचना दी। इस दौरान गाँव के ही रामराज गुजर मांगीलाल गुजर के घर की तरफ से आता नजर आया, जिस पर रामराज के साथ दीपक खटाना और उसके साथियों ने मारपीट कर दी और दहशत फैलाने के लिए दो बार हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गुजर नामक व्यक्ति ने थाने पर रिपोर्ट दी कि गांव रसूलपुरा में एक मांगीलाल गुजर नामक व्यक्ति की घर पर शादी थी, तो शादी के दौरान ही मांगीलाल के घर पे कोई चोरी के प्रयास में किसी व्यक्ति के घर जाकर वापस आते समय आ रहे थे, तो रस्ते में दीपक खटाना और उसके कुछ साथियों द्वारा मारपीट की गई और फायरिंग की गई, जिसमें मुकदमा दर्ज करने बाबत कहा गया, तो मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें अनुसंधान जारी। हाँ, मौके से एक बिना नंबरी गाड़ी लेकर भागना बताया गया, तो मुलजिम में अभी पकड़ गया है। हाँ, मौके पर जाने पर पता चला कि वहाँ पे दो खाली केस पड़े थे, तो निश्चित रूप से हवाई फायर किए गए हैं वहाँ पे। नहीं, अभी किसी को कोई घायल नहीं किसी जी। इसमें दीपक और उसके पांच साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।